क्या पढ़ाते हो मैं कोऑर्डिनेट के अंदर, क्या पढ़ाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले था। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल पॉइंट होता है आपके पास, बट मेन एडवांटेज इसका क्या है, ये हमें एक लाइन की लेंथ बताता है। अगर उसके ऊपर बात करें, अगर मेरे पास कोई दो पॉइंट है, मुझे पता है इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से मेरे पास कोई लाइन बन सकती है ए बी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके पास x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास x2 y2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ए बी वो कितना होगा, दैट इज गिवन बाय अंडर द रूट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। तो जो ये डिस्टेंस आएगा ना आपके पास, मान लो आपके पास ये कोई पॉइंट फाइनाइट वैल्यू है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, मान लो 10 आ रहा है। ये जो डिस्टेंस 10 आ रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस जो लाइन की लेंथ है ना आपके पास दैट इज 10 यूनिट। ठीक है, डिस्टेंस हमेशा क्या देता है आपके पास, उस लाइन की लेंथ देता है। ये था आपके पास 2D में। अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो हम बात करें टू डायमेंशन में, हो सकता है आपके पास तीन कोऑर्डिनेट दे दे। अब जो पॉइंट है x1, y1, z1, एक पॉइंट आपके पास x2, y2, z, तो आपके पास दो पॉइंट गिवन है a एंड b। अब आपको क्या बोल सकता है वो, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। अब भी कुछ नहीं करना, फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ चुका है आपके पास, दैट इज z कोऑर्डिनेट। क्या आएगा इसके अंदर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बन जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल। पॉइंट क्लियर हुआ, नोट कर ले। अब देखते हैं इस फॉर्मूले का यूज क्या आपके पास। ठीक है, इसका सबसे पहला यूज है ट्रायंगल्स को डिटरमाइन करने में, ट्रायंगल्स के लिए हमें बताता है टाइप ऑफ ट्रायंगल। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम टाइप ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, पहला यूज इसका। मतलब अगर आपको किसी ट्रायंगल की तीन वर्टेक्स गिवन है ए बी सी, तो तीन वर्टेक्स हो गए, तीन पॉइंट हो गए आपके पास। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स आपकी नोन है, और अगर आपको टाइप ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मान लो आपको चेक करना है कि गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, आपको चेक करना है क्या गिवन ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसे चेक करोगे। तो देखो आपके पास, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब जो ये लेंथ आएगी आपके पास, और जो ये लेंथ आएगी, और जो ये जो तीनों लेंथ आएंगी आपके पास, ये तीनों लेंथ क्या होनी चाहिए आपके पास, इक्वल आनी चाहिए। और ये लेंथ कैसे निकालेंगे, ए बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी बी, या ए सी की बात कोई फर्क नहीं पड़ता, ए सी बोल दो सी ए बोल दो, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव। पॉइंट क्लियर हो फर्स्ट, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड पॉइंट, आइसोस्क्लिस ट्रायंगल, आइसोस्क्लिस ट्रायंगल में क्या होता है आपके पास, एनी टू साइड्स आर इक्वल। इफ दिस ट्रायंगल इज आइसोस्क्लिस ट्रायंगल, अगर आपका यही ट्रायंगल क्या है आइसोस्क्लिस ट्रायंगल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड हो सकता है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाए बी सी हो जाए, हो सकता है आपके पास ए बी इक्वल टू क्या आ जाए बी सी आ जाए, या हो सकता है बी सी इक्वल टू क्या आ जाए ए सी आ जाए, या हो सकता है ए सी इक्वल टू क्या आ जाए आपके पास ए बी आ जाए। मतलब लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स में भी इक्वल, किसी भी दो साइड की लेंथ अगर इक्वल है तो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर तीनों साइड इक्वल है क्या ट्रायंगल आइसोस्केल होगा, नहीं होगा। क्यों भाई, क्यों नहीं होगा, इक्विलेटरल तो होगा, क्या आइसोस्केल नहीं हो सकता, होगा ना, इक्विलेटरल भी होगा और आइसोस्केल भी होगा, दो तो इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है इतना श्योर है दो तो इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी। तो अगर इक्विलेटरल है ट्रायंगल तो इतना श्योर है, याद रखो आइसोस्केल भी होगा, तो आइसोस्केल ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसेट हो सकते हैं।
समझ आया? चलो अगला देखते हैं. नेक्स्ट थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम वैलिड रहती है. ये बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम. क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कहती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. अगर मैं इसको दूसरे वे से देखूं, दूसरा वे, हमें पता है हाइपोटेनियस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड. मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर क्या हो रहा है? बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है. ठीक है, मतलब आप तीनों साइड फाइंड आउट करो. जो भी लॉन्गेस्ट साइड है, मान लो ए भी लॉन्गेस्ट आ रही है आपके पास, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसका जो स्केयर होगा वो क्या होना चाहिए? बी सी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर होना चाहिए. हाँ भैया, यही कहते हैं. हो सकता है आपके पास ए बी लॉन्गेस्ट ना हो, बी सी लॉन्गेस्ट हो. अगर बी सी आपकी लॉन्गेस्ट आ रही है तो बी सी का स्केयर क्या होगा? ए बी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर होगा. हो सकता है आपके पास ए सी लॉन्गेस्ट हो, तो उस केस में ए सी का स्केयर क्या होगा? ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर हो जाएगा. ऐसे कुछ भी हो सकता है. आपको क्या पता कौन सा हाइपोटेनियस है? पता है आपको सिर्फ तीन वर्टेक्स दे दिए उसने, ए बी सी. उसने ये बताया कि ये लॉन्गेस्ट है, ये हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग बनी, कुछ नहीं बोला हमें. हमें खुद देखना पड़ेगा कि कौन सा हाइपोटेनियस हो सकता है. हमें ये पता है जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी. तो हमें लॉन्गेस्ट साइड निकाला, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया. क्लियर हो? एंड फोर्थ इज स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? इन विच All sides are unequal. This triangle is known as Scalen triangle. Point clear? तो ये हमारे पास होता है टाइप ऑफ ट्राइंगल. और अगर आप ध्यान से देखो चारों टाइप्स को हम विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल. कोई प्रॉब्लम? चलो फर्स्ट पॉइंट से पहले ऐसे बता रहे अगर नोट करना नोट कर लेना तो आप शेयर कर. अब आप इनको समझ लो इसको अच्छे से. अगला देखो पॉइंट क्या आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट. ये था टाइप ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइन करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल शेप्स होती है, क्वाड्रिलेटरल शेप्स, उनको डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है. जिनमें चार साइडें होती हैं. अगर मैं बात करूँ, मेन आपके पास स्फीयर है, रोम्बस है, स्फीयर एंड रोम्बस, और एक और होती है कौन सी? रेक्टेंगल. और एक क्या होता है? पैरेललोग्राम. चार शेप आपके पास जो मेन होती है. स्केयर क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इस शेप को हम स्केयर बोल सकते हैं. बताओ देखो ध्यान से, ए बी सी, मैं स्मॉल बना रहा हूँ, आई थिंक विजिबल हो सकते हैं, ए बी सी. अगर ये सारे शेप बनाते हैं सभी की, ये स्केयर है, रोम्बस क्या होगा? स्केयर को थोड़ा सा बेंड कर दो, थोड़ा सा बेंड कर दो. अगर आप स्केयर को बेंड करोगे, क्या इसकी लेंथ चेंज होगी? लेंथ किस उतनी रहेगी आपके पास इन दिस टाइप? ए बी सी डी. देखो अभी सारी साइडें क्या हैं? इक्वल. स्केयर में सभी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. मतलब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी. अगर आप इसे बेंड करोगे, ए बी बी सी सी डी डी ए सभी क्या होंगे? अभी इक्वल रहेंगे. तो रोम्बस में भी सारी साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अब प्रॉब्लम क्या है? दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? एंगल्स में तो है, यहाँ एंगल 90 है, वहाँ एंगल 90 है, बट हम एंगल की बात ही नहीं कर रहे. मतलब तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं. डिस्टेंस फॉर्मूले से आप लेंथ निकाल सकते हो, एंगल थोड़ा निकाल सकते हो. तो हम क्या करें उसके लिए? डायग्राम निकाल लेते हैं. अगर आप ध्यान से देखो, इसमें दोनों डायग्राम क्या हैं? इक्वल हैं. मतलब ए सी इक्वल टू क्या आएगा? बी डी. ये कंडीशन बन गई आपकी स्केयर. बट अगर आप यहाँ देखो, ए सी आपकी लेंथ ज़्यादा है, बी डी आपकी लेंथ कम है. मतलब यहाँ क्या बन रहा है? ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी. ये कंडीशन बन गई आपकी किसकी? रोम्बस की. यहाँ तक समझ आया? बताओ. चलो देखो रेक्टेंगल क्या होता है. देखो ये रेक्टेंगल, इसमें अपोजिट साइड की लेंथ क्या होती है? मतलब ए बी सी डी, चार साइड है आपके पास. ये लेंथ ए बी इक्वल टू सी डी,
BC इक्वल टू AD, AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD। अगर थोड़ा सा बेंड कर दे क्या बन जाएगा? ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया A B C D। यहां भी देखो इसको बेंड करने से बनाया तो अपोजिट साइड की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। मतलब इसमें भी आपके पास क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी डी होगा एंड बी सी इक्वल टू क्या होगा? प्रॉब्लम वही आ गई, दोनों सेम कंडीशन बन गई। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? डायगोनल्स को चेक करें, इसमें डायगोनल की लेंथ क्या है? इक्वल है, मतलब ए सी इक्वल टू बी डी। ये कंडीशन बन गई किसकी? रेक्टेंगल की। बट क्या यहाँ डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी? आपके सामने ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, ये कंडीशन बन गई किसके हमारे पास? कर लो आए सबको समझ। इस वजह से हम क्वाड्रेटिक फिगर को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। बनाओ सभी इसको। अब देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले की नेक्स्ट एप्लीकेशन, वो होता हमारे पास चेक करने में कि गिवन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। आपके पास तीन पॉइंट हैं, वो तीन पॉइंट ए बी सी कोलिनियर कब होंगे? तीन पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं इफ दे लाइज अलोंग द सेम लाइन। अगर वो सेम लाइन पर लाइन होते, मान लो आपने तीन पॉइंट ये मान लिया पॉइंट तीनों, तो क्या कंडीशन नजर आ रही है? अगर मैं इस डिस्टेंस को निकालू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आएगा? ए बी। ये डिस्टेंस कितना आएगा? बी सी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ, अगर ये सेम लाइन पे है, इन दोनों को ऐड करने में क्या बनना चाहिए? ए सी बनना चाहिए, मतलब ये आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि दो साइडों का सम थर्ड साइड के, दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए। कि आपको ये नहीं पता होगा कि सीक्वेंस नहीं देगा आपको कभी भी वो, कि पहले ये लो फिर ये लो फिर ये लो, नहीं हो सकता है आपको ये दे दे फिर ये पॉइंट दे दे फिर ये पॉइंट दे दे। तो आपको ये नहीं पता होगा कि ए बी स्मॉलेस्ट है बी सी, हो सकता है आपके पास ऐसे आ जाए ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो पॉइंट माना है, हो सकता है आपके पास ए पॉइंट सेंटर में आपने जो मान रखा है, एक्चुअल में ऐसे कंडीशन मान रखी है आपको, आप उसको ए बी सी लिखोगे, बट रियलिटी कैसे होगी? रियलिटी में हो सकता है ऐसे हो, तो उस केस में ए बी प्लस ए सी क्या आएगा? बी सी बन जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात मैं उसको ऐसे बोलूँगा कि दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो वो क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। है समझ? दो डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है टोटल, दैट इज नोन एज कोलिनियर। या फिर ये कंडीशन और बोली जाती है कि जो तीन पॉइंट हैं, अगर आप इनसे ट्रायंगल बनाते हो, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है तीन पॉइंट से। अब मुझे बताओ क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है? नहीं है कोलिनियर। कोलिनियर कब होंगे? जब ये सी पॉइंट इस लाइन पे आ जाए, यहाँ आए, यहाँ आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस सी पॉइंट को आप इस लाइन पे ले आए, यहाँ ले आए, अब देखो ध्यान से क्या ट्रायंगल बना? एरिया इनक्लोज कितना हो गया? जीरो। ट्रायंगल ही बचा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? जीरो। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया फॉर्म्ड बाय दिस ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट विल बी जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो। समझ ध्यान से, अगर आप किसी ट्रायंगल को देखते हो तो ये ट्रायंगल जो भी आपके पास, आपको पता है ये तीनों पॉइंट क्या है? नॉन कोलिनियर है, एक लाइन पर लाई नहीं कर रहे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ एरिया इंक्लोज कर रखा है, ये एरिया इंक्लोज कर रखा है, यही कर रखा है। अगर आप इन्हें कोलिनियर बनाते हो, इस सी पॉइंट को यहाँ लाना पड़ेगा। अगर सी पॉइंट को हम यहाँ ले आए तो क्या ये कोई एरिया इंक्लोज कर रहा है? ट्रायंगल इन बचा, सारा एरिया क्या हो गया? जीरो। एरिया अंदर वाला एरिया क्या था? अगर आप देखो इधर ले आओ, यहाँ ले आओ सी पॉइंट को, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा नीचे ले आओ, यहाँ पे एरिया और कम हो गया, जहाँ लाइन पे ले आओगे एरिया तो बचा ही नहीं, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स आपके कोलिनियर कब होंगे उसके बारे में।
नोट्स अवेलेबल है आपके पास पीडीएफ में, इसके हमारे पास तो है, उसमें डाल देना इसके ये वाला पॉइंट भी है उसमें। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो आपने ये तो आपके पास 7.1 में था सारा कुछ, आपके एनसीईआरटी 10th में 7.1 होती थी, उसका बेसिक बताया मैंने आपके पास। अच्छा थोड़ा सा पॉइंट और देखो, अगर मैं बोलूँ आपके पास पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अगर मैं बोलूँ आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर आपका कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उससे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोमा जीरो। आपको पता है देखो जो भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे लोगे 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, मतलब उन पॉइंट पे सिर्फ एक्स की वैल्यू एडजस्ट करेगी, वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो। तो जो भी पॉइंट आप एक्स एक्सिस मान रहे हो उसे क्या मानते हैं, एक्स कोमा जीरो, समझ आए। अगर आप पॉइंट वाई एक्सिस मानोगे तो क्या मानोगे, 0.y, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। यही होती है ना, यही क्या होती है हमारे पास इन एक्सिस की इक्वेशन होती है, वाई इक्वल टू जीरो, दिस द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपके पास एक्स क्या होता है, जीरो। अगर आपको बनाना है, मान लो आपको बनाना है एक्स इक्वल टू टू या वाई इक्वल टू टू लाइन, वाई इक्वल टू टू की लाइन कैसे बनाते हो आप मुझे बताओ, वन y इक्वल टू ऐसे बनाते हो, y इक्वल टू वन कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, और y इक्वल टू जीरो कैसे बनाओगे, y इक्वल टू जीरो ऐसे तो बनेगी, और ये क्या है, x एक्सिस। तो तभी कहते हैं हम x एक्सिस इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू जीरो, समझ आया, कंफ्यूज नहीं होना, x एक्सिस इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू जीरो। अच्छा ये लाइन कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्या है, x इक्वल टू जीरो है, ये क्या है, x इक्वल टू वन, ये क्या बनेगा, x इक्वल टू टू, तो ये क्या बनेगा, x इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, x इक्वल टू जीरो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, समझ आ गए। अब अगर हम बात करें इसके अंदर, देखो यहाँ पे सब ध्यान से, अब बात करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले, सभी सुना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक लाइन दे रखी है, दो पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, ए एंड बी आर द टू पॉइंट्स। मान लो इसकी कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू, एक के कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। आपको एक थर्ड पॉइंट सी निकालना है, और सी क्या आपके पास मिड पॉइंट है ए बी का, हम बोल रहे हैं सी क्या है, सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी क्या हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, ए बी। अगर सी हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है तो जो सी के कोऑर्डिनेट होंगे मान लेते हैं क्या है, एक्स कोमा वाई, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का सम, आप फर्स्ट पेयर निकाल रहे हो ना, क्या करो एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय टू। अगर आप वाई की वैल्यू निकाल रहे हो तो कैसे निकालेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय टू। तो C पे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लियर। सेक्शन फॉर्मूले से इक्वल रेशियो लेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से करोगे तो इक्वल रेशियो लेंगे पड़ेगी, तो आगे बताऊंगा आपको क्या होता है सेक्शन फॉर्मूले, समझ आया यहाँ तक, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूला देखो आपके पास जो सेक्शन फॉर्मूला 10th क्लास में था वो लिमिटेड था ओनली फॉर द इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन के लिए। अब जो फॉर्मूला है उसमें आप एक्सटर्नल डिवीजन भी जा सकते हैं, इंटरनल मतलब होता है पॉइंट लाइज विद इन द लाइन। जैसे देखो ये आपके पास कोई लाइन है, दो पॉइंट है ए एंड बी, इसके कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वन वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स टू वाई वाई, कोई पॉइंट सी कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई, फाइंड आउट करनी है। और ये पॉइंट इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग को किसी रेशियो एम रेशियो एन में डिवाइड करें, आपको रेशियो पता है, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं ताकि ये पॉइंट क्या करे, इस ए बी लाइन को एम रेशियो एन में डिवाइड करें,
देखो दो तरह की डिवीजन है, पहले हम बात करते हैं फोर इंटरनल डिवीजन, फोर इंटरनल डिवीजन। अगर हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिवीजन की, तो करना क्या है, हमेशा एम को इधर मल्टीप्लाई करो, एन को इधर मल्टीप्लाई करो। पहले एम को उधर करना है, एक्स निकालने के लिए एक्स से करोगे, वाई निकालने के लिए वाई से करोगे, ठीक है। तो करो देखो, हमें अगर एक्स निकालना है तो कैसे करेंगे, एम की मल्टीप्लाई एक्स टू में, एम मल्टीप्लाई बाई एक्स टू प्लस एन की मल्टीप्लाई एक्स वन में, डिवाइड बाई इन दोनों का सम, दैट इज एम प्लस, समझ आए। अगर आपको y निकालना है तो कैसे करोगे, m की मल्टीप्लाई y2 में, n की मल्टीप्लाई y1 में, डिवाइड बाई m प्लस, समझ आए। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m की मल्टीप्लाई x2 में, n की मल्टीप्लाई x1 में, डिवाइड बाई दोनों का सम। y कोऑर्डिनेट निकालना है, m की मल्टीप्लाई y2 में, n की मल्टीप्लाई y1 में, डिवाइड बाई दोनों का सम। ये हो गया इंटरनल डिवीजन। ये बात ध्यान रखना, पहले m की मल्टीप्लाई करनी है, सर प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी कह रहा हूँ प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक्सटर्नल डिवीजन याद करना आसान हो जाएगा। कैसे देखो, वहाँ फर्क पड़ता है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं फोर एक्सटर्नल डिवीजन, फोर एक्सटर्नल डिवीजन, देखो इंटरनल डिवीजन में ये पॉइंट विद इन द लाइन लाई करता है, बट इंटरनल डिवीजन में कोई ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, इस साइड भी, इस साइड भी, ठीक है, विद इन द लाइन नहीं होगा कुछ। उस केस में क्या होता है, जो x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का, रेशो सेम आपके पास, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, हर जगह माइनस होगा। इंटरनल में जो फॉर्मूला लिख रहे हो आप, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइड बाई, ये आपका ऑलरेडी ड्राइव फॉर्मूला है, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस, ये इंटरनल डिवीजन, सर वाई टू आएगा यहाँ पे, हाँ वाई आएगा यहाँ पे, एम वाई टू एन वाई, ये इंटरनल डिवीजन, ये आपकी एक्सटर्नल डिवीजन। पॉइंट क्लियर हो, नोट कर लो इसको। अब देखते हैं, हमारे पास कई बार क्या होता है, इसी केस में आपके पास ए और बी दो पॉइंट गिवन है, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, और कई बार सी पॉइंट भी आपको दे देगा, एक्स वन सी पॉइंट आपको नोन होगा, या हो सकता है सी पॉइंट में कोई एक कोऑर्डिनेट आपको नोन हो, जैसे बोल दिया ऑन लाइज ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में पॉइंट क्या होगा, एक्स कोमा जीरो, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट नॉन है, दैट इज जीरो। अगर बोल दिया आपको सी पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर सी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जीरो कोमा वाई, तो उस केस में एक्स कोऑर्डिनेट आपको नॉन है, दैट इज जीरो। तो इस केस में अगर आपको रेशियो नहीं गिवन, रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा आपको सी पॉइंट में या तो आपको कंप्लीट नॉन होगा, या आपको कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट नॉन होगा, कहीं ना कहीं लाई करेगा मुझे। तो उस केस में हमने रेशियो क्या मानते हैं, के रेशियो, हमेशा आप रेशियो क्या मान के चलोगे, के रेशियो वन, बट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के बाय यूजिंग नॉन पॉइंट, तो नॉन वैल्यू का यूज करो, ठीक है। वही आपके पास एम की तरह, एम की वैल्यू के होगी, एन की वैल्यू वन होगी, उसी पे सोल्व कर दो, क्लियर हो यार। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ, आपका टेंथ क्लास में टॉपिक बोल था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, याद है, ए बी सी कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। उसमें आपको याद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वन बाई टू ब्रैकेट एक्स वन इन टू y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। आसान है बिल्कुल, देखो सबसे आगे हमने x मल्टीप्लाई करा है, बीच में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, यही है ना। और देखो सीक्वेंस कैसे बनाना है, x में वैल्यू 1 2 3 है, और सीक्वेंस क्या याद रखना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 2 3 बन गया। तो अगर टू आ रहा है, टू के बाद क्या आएगा, थ्री वन, अगर यहाँ टू है तो यहाँ थ्री वन, यहाँ थ्री आ गया, थ्री के बाद क्या आएगा, वन टू। बाकी पता है क्या होता है, एक्चुअल में ये डिटरमिनेंट से निकलता है, ये फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ है ना, ये डिटरमिनेंट निकालने से ड्राइव हुआ है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता नहीं फिलहाल, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए उसके लिए, ठीक है। आपको जब मैं डिटरमिनेंट बताऊंगा तो आपको बता दूंगा बीच में इतने निकाला टाइम, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं,
और उससे आपका फॉर्मूला बनाए। प्लस टू में कभी हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करने वाले एरिया निकालने के लिए, हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसी से बनाएंगे और उसको चीजों को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है। इसको नोट कर लो, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। देखो चलो, और हमें एक चीज पता है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर एरिया क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू विल बी जीरो। पॉइंट्स आर कोलिनियर एरिया विल बी जीरो। ये हमारा बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का, जो हमने पढ़ा था 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट मेट्री, ठीक है। और यही आपके पास लाइन का भी बेसिक, लाइन तो बन रही है उसे भी, हालांकि बेसिक है जस्ट, ये 1% है लाइन का, ये बाकी हमारे पास सिलेबस डिटेल में आएगा लाइन में, उसके पास काम, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हो, आपकी जो बुक में एक्सरसाइज 10.1 है, नॉट एनसीईआरटी, एलिमेंट में कई बुक्स में एक्सरसाइज 10.1 है, कई बुक्स में रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से है, ठीक है। इसके क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, या कुछ भी समझ ना आए तो आपके पास 10th क्लास की बुक तो है ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपको करना है थोड़ा सा वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7 तक 10th क्लास में, तो ये बेसिक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, लाइन का, उसके बाद जो मेन मेन पार्ट है लाइन का, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आगे कर लो फिर वही इसका रिव्यू करते हैं।